बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं दुआ कुकिंग में हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दुआ कुकिंग। दुआ कुकिंग में आज जो मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आपने कलेजी तो बहुत सारी खाई होगी, लेकिन जो आज मैं कलेजी बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी है। आज मैं बना रही हूँ कलेजी कढ़ाई। कलेजी कढ़ाई बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। व्यूअर्स, ये है आधा किलो कलेजी मटन की। इसको मैंने लहसुन डालकर पानी में बॉईल कर लिया अच्छी तरह, ताकि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और उसमें एक्स्ट्रा जो ब्लड होता है वो भी निकल जाए। लहसुन के चार पाँच जगह डाल के मैंने पानी में इसको बॉईल कर लिया 2 मिनट के लिए, और छान लिया, ठंडा कर लिया, यहाँ पे रख लिया। इसके साथ चाहिए मुझे 1/2 कप दही, आधी चम्मच ज़ीरा, आधी चम्मच कुटा हुआ मोटा साबुत धनिया, 4 से 5 हरी मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, 2 से 3 टमाटर ग्रेवी के लिए, 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 1 चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच पिसा धनिया, आधी चम्मच पिसा गरम मसाला, आधी चम्मच क्रश मिर्च कुटी हुई मिर्च और आधी चम्मच हल्दी और थोड़ी सी कसूरी मेथी। फिर ये 10 मिनट में रेडी हो जाती है कलेजी कढ़ाई। चलते हैं इसके अपनी कुकिंग की तरफ। हमारे प्याज जो है गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। ये बार इसमें जैसे ये थोड़े से ब्राउन होंगे मैं इसमें कलेजी डाल दूँगी, साथ में टमाटर। ये बार इसके साथ थोड़े थोड़े से ब्राउन हो इसके साथ प्याजों के साथ लेवर मैंने इसको फ्राई कर लिया, साथ में लहसुन अदरक डाल दिया। उसके साथ इसको फ्राई करूँगी अच्छी तरह, साथ में टमाटर डाल दूँगी। अब इनको मैं करूँगी अच्छी तरह गोल्डन। फेवर मैंने ये दही के अंदर साबुन गरम मसाला, कुटा हुआ गरम मसाला, लाल मिर्च 1 चम्मच, आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच पिसा धनिया, 1/4 चम्मच हल्दी और क्रश मिर्च ये डाल दी हैं। और साथ में मैं इसके डालूँगी ये कसूरी मेथी है, साबुत धनिया और ज़ीरा, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इस मसाले को मिक्स करके मैं अब उसके अंदर डाल दूँगी अपनी कलेजी कढ़ाई में। जो टमाटर सॉस को चुके हैं मैं इसके अंदर सारा मसाला डाल दूँगी, मैंने दही के अंदर डाला है और इसको भून लेंगे इसके अंदर अच्छी तरह। हमारी कलेजी जो है तकरीबन 1/2 डन हो चुकी है। अभी थोड़ा सा पानी है, जो कुछ हो जाए फिर मैं इसको भून कर और डिश आउट करती हूँ। हमारी कलेजी कढ़ाई रेडी हो चुकी है, घी निकल आया है और बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है और बड़ी यम्मी लग रही है। हमें इतने ही उतारनी है इसको, मसाला ऐसा हो ग्रेवी उसकी। ये नान के साथ, चपाती के साथ, घर की रोटी के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। अभी मैं इसको करूँगी डिश आउट। जी व्यूअर्स, हमारी जो कलेजी कढ़ाई वो रेडी हो चुकी है, मैं इसको करूँगी गार्निश। डिश आउट मैंने कर ली है, ये मैं हरी मिर्ची डालूँगी इसका। हरी मिर्चों के साथ बहुत कॉम्बिनेशन है, बहुत मज़े की लगती हैं। और थोड़ा सा डालूँगी हरा धनिया। हमारी डिश रेडी हो चुकी है। आज की डिश अगर आपको कलेजी कढ़ाई अच्छी लगे तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा मेरी रेसिपीज़ को अपनी फैमिलीज़ के साथ। और दुआ में याद रखिएगा, दुआ को इजाज़त दीजिए। दुआ कुकिंग में अल्लाह हाफिज़। Thank you.